हाय फ्रेंड्स, आज मैं आंवला की मिठाई बनाने वाली हूँ और बहुत ही डिलीशियस होता है ये और बहुत ही पौष्टिक है। इसमें जानते ही हैं आप कि कितना विटामिन सी भरा होता है और बच्चों को तो बहुत ही पसंद आता है और सभी को पसंद है ये। तो इसकी बहुत ही इजी रेसिपी है, तो वो आज हम आपको सिखाएंगे कि कितने अच्छे और सरल तरीके से हम मिठाई भी बना सकते हैं इसकी। अभी तक तो हम लोगों ने कैंडी और आंवला मुरब्बा ये सब देखा था, लेकिन आज हम जो है आपको मिठाई बना के सिखाएंगे। इसको आप जेली भी बोल सकते हैं कि आंवला की जेली। तो आप देखिए कि कैसे हम इसको बनाएंगे। तो उसके लिए हमने लिया है करीब आधा किलो हमारा ये आंवला है। इसको हमने हल्का सा खुरच के छील लिया है और अभी इसको हम जो है ये हमने पानी चढ़ा दिया है इसमें करीब आधा लीटर। तो इसमें हम इसको उबालेंगे, जब दो उबाल आ जाएगा तो हम इसको ऑफ़ करेंगे। और उसके लिए क्या क्या चाहिए, हमें आधा किलो हमें ये लिया आंवला, तो करीब 300 ग्राम मेरा चीनी है और एक बड़ा चम्मच नींबू है, नींबू का रस और देसी घी है और ये थोड़ा कॉर्न फ्लोर है और इसमें मैंने चुटकी भर कलर डाला है, फूड कलर है, और ये इलायची पाउडर है एक बड़ा चम्मच, और ये हमारा कंटेनर जिसमें हम इसको सेट करके रखेंगे और हमारा मिठाई तैयार होगी। तो इसके लिए इतनी चीज़ें चाहिए, तो बस अब हम इसको उबलने के लिए रख देते हैं आंवले को। बहुत ही अच्छा बनता है दोस्तों, और बच्चे तो बहुत ही अच्छा लगता है उनको खाने में, इसको कैंडी कैंडी की तरह ही समझिए, कैंडी बोल सकते हैं, जेली बोल सकते हैं आप इसको, लेकिन हम इसको मिठाई बोलेंगे। बच्चे मिठाई समझ के बहुत जल्दी से खा लेंगे और ठंड में मिलता भी है बहुत, तो जितना उपयोग कर पाएँ हम लोग किसी न किसी वेज में इसको हमको करना चाहिए। तो हम ढक के पकाएंगे थोड़ा इसको और करीब दो उबाल आएगा तब इसके बाद हम इसको इसकी फांकी अलग करके फिर इसको हम पीस देंगे मिक्सी में। तो दोस्तों देखिए अच्छे से उबाल आ गया है और इसका कलर भी थोड़ा डल हो गया है। अब हम इसको थोड़ा सा ऑफ़ कर देंगे थोड़ी देर के लिए और थोड़ा इस ठंडा करेंगे इसको, उसके बाद इसकी फली फाकी निकाल निकाल कर इसको हम जो है मिक्सी में पीसेंगे। तो दोस्तों हमने भगोने से अपने सारे आंवले निकाल लिए हैं, अब इसको थोड़ा ठंडा करके इसकी फली हम अलग कर देंगे और फिर हम मिक्सर में इसको पीस देंगे। तो दोस्तों हमने अपना आंवला इस तरह से पीस लिया है मिक्सी में, एकदम फाइन पीसा है। तो आप थोड़ा सा पानी उसी उबले हुए पानी का पानी डाल दीजिएगा तो पीसने में आसानी रहेगी। और अब इसको हम कढ़ाई चढ़ा दिया हमने, इसको एक साथ चीनी और ये अच्छे से पकाएंगे। चीनी आप कम अधिक कर सकते हैं, और जैसे अंदाज़ ये है कि अगर आपका ये एक कटोरी बराबर है तो दो कटोरी चीनी होनी चाहिए, तो मेरा एक कटोरी से थोड़ा ज़्यादा ही चीनी है। इतनी चीनी है मेरी, थोड़ा हम बचाएंगे, ज़्यादा मीठा चाहिए तो ज़्यादा आप डाल सकते हैं। अभी देख लेते हैं कितना इसमें लगेगा। इसको गलने देंगे अच्छे से, इसमें पानी अभी छोड़ेगा, तेज़ कर दें, इसके फ्लेम पे ध्यान रखना पड़ेगा कि बहुत ज़्यादा तेज़ ना हो, ये अच्छे से मेल्ट होने लगेगी। अभी हम पूरा डाल देते हैं क्योंकि इसका इसी के सिगड़े से ही बंधना है इसको भी, और अच्छा मीठा होगा तभी अच्छा लगेगा। अच्छे से देखिए पानी निकल रहा है, इसका चीनी गल रही है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है दोस्तों, बस जो भी इसका टाइम मिक्सी में जितनी देर पीसना उबालना लगा बस उतना ही, और इसको सेट करने में कम से कम 2 घंटे लगेंगे, तो बस वही भी टाइम लगेगा, बाकी बन के एक अच्छी मिठाई तैयार हो जाएगी। दोस्तों अब इसी में हम थोड़ा सा नींबू भी डाल देंगे, इससे और चटपटा हो जाएगा। इसको हम अच्छे से पकाएंगे, जब एक अच्छे सा वो गाढ़ापन हो जाएगा तब हम कॉर्नफ्लोर डालेंगे थोड़ा सा, फिर तब पकाएंगे दोबारा। और दोस्तों इसी में इलायची पाउडर डाल देंगे, इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा, इसको भी डालना है। अब हम इसी में ही, मेरा थोड़ा थोड़ा सूख रहा है तो हम कॉर्नफ्लोर भी डाल देंगे, इससे बाइंडिंग में बहुत ईजी रहेगा। दोस्तों आप जब भी बनाइएगा आंवला तो यही अनुपात रखिएगा कि अगर आपने एक बाउल ले लिया है आंवला भर के, तो आप 2 बाउल लीजिएगा चीनी, तब आपको बहुत अच्छा बनेगा। हमने थोड़ा कम रखा है लेकिन आप उसी हिसाब से बनाएंगे तो और अच्छा बनेगा, ज़्यादा मीठा अगर आपको खाना है तो मीठा तो इसमें भी हो जाएगा। अब हम इसको कॉर्नफ्लोर को
थोड़ा हमने एक चुटकी कलर भी डाल दिया है, आप चाहें तो डालें और चाहें तो ना डालें, कलर से थोड़ा अच्छा आ जाएगा। इसको थोड़ा धीमा कर दें। सिर्फ बाइंडिंग के लिए है। बच्चे कलर देख के और भी जान जाएंगे कि बाहर की मिठाई है, आंवला नहीं समझ के तो बच्चे खा लेते हैं इसके वाइज भी, तो खाने वाला कलर है ये। चम्मच बड़ा कानपुर है। ठंडे पानी में उसे घोला करिए, जब भी घोलिए तो लम्स नहीं पड़ेंगे, एकदम अच्छी सी मिठाई लगेगी हमारी। इसको हम डाल देंगे। इसको हमको बराबर चलाना है। जब लग रही है ना बाहर की बर्फी, तो बच्चे देख के जो है अट्रैक्ट होंगे और खा लेंगे झट से। आप चाहें तो कलर डालें, चाहें तो ना डालें, और टेस्ट में कोई कमी नहीं होगी। दोस्तों ज़रूर बनाइएगा इस तरह, और अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए, जिससे हमारा नया वीडियो, नया जो रेसिपी है वो आप तक जल्दी पहुँच जाए, और हम हमेशा रोज़ एक नई वीडियो बना के डालते हैं। देखिए एकदम लगातार हमको चलाना है, क्योंकि ये सूख रहा है। ऐसे हम थोड़ा सा देसी घी डालेंगे एक चम्मच करीब, जिससे इसमें शाइनिंग आएगी अच्छी सी, और बहुत ही अच्छा लगेगा एकदम। कलर देख रहे हैं कितना खूबसूरत आ रहा है, एकदम ट्रांसपेरेंट लग रहा है, अच्छे से कलर आ गया इसका। बहुत अच्छी इसकी जो इसका पीड़ा होता है, बहुत ही अच्छा लगता है हमको बर्फी जो बनेगी अभी। दोस्तों अभी बिल्कुल तैयार है, देखिए एकदम तेल अच्छे से छूट रहा है इसमें से, और इससे भी हम पता कर सकते हैं। इसको ऐसे ठंडा होने के बाद हमने लिया तो देखिए चपक रहा है, देख रहे हैं, मतलब कि ये अब हमको इसको जमाने लायक हो गया है। तो बस हम इसको थोड़ा सा तेज़ करके इसको हटा के निकाल देंगे, जिसमें हम पहले सोच रहे थे इसमें लग करेंगे ढेर दोस्तों, लेकिन ये बहुत मोटी बर्फ़ी के लिए है। अभी हम इस थाली का उपयोग करेंगे तो हमारी पतली पतली बर्फ़ी आएगी, तो हमने थोड़ा सा इसको चेंज करके अब इसमें लगाएंगे, हम सेट करेंगे इसको। तो देखिए दोस्तों इसी तरह हम इसको सारा निकाल लेंगे इसी थाली में, और इवनली ऐसे स्प्रेड करेंगे। कम से कम 2 घंटे बाद ही हमारा तैयार हो जाएगा मिठाई बेरी, जो इसकी बर्फ़ी बनाएंगे हम, तभी हम इसको काटेंगे। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आपका पेस्ट आंवले का अगर 1 कटोरी है तो आप 2 कटोरी कम से कम चीनी लीजिएगा, चीनी में कमी ना करिएगा, तो अच्छा सा टेस्ट भी आएगा और बहुत अच्छे से बाइंडिंग भी होगी। तो दोस्तों देखा हमने इस थाली में अपना ये पूरा निकाल लिया है आंवले का, जो हमको बर्फ़ी बनाना है इसको हमने सेट कर दिया है। ये कम से कम 2 घंटे लगेंगे इसको सेट होने में, इसको रूम टेम्परेचर पर हम रखेंगे, उसके बाद हम आपको काट के इसकी बर्फ़ी दिखाएंगे। इस तरह हमने इसको काट लिया है अपनी जो आंवले का मेरा ये बर्फ़ी है, चाहे आप किसी भी शेप में काट सकते हैं, स्क्वायर में भी काट सकते हैं, हमने इस तरह का काटा है। तो अभी तो ये पूरा सूखा नहीं, मैंने 2 घंटे नहीं लगाया इसको, आप इसको 3-4 घंटे के लिए आराम से फ्रिज में रख दीजिएगा, अच्छे से सेट हो जाएगी। और इस तरह से हमने आपको दिखाया कि ऐसे बर्फी बन जाएगी, और बहुत ही डिलीशियस है दोस्तों, आप अपने घर में जरूर बनाइए, और बच्चों को बहुत ही अट्रैक्ट कर रही है, तो आप अपने घर में बनाइएगा, देखना बच्चे सब खा लेंगे जल्दी जल्दी। आंवला तो ऐसे सब नहीं खा पाएंगे लोग, लेकिन मिठाई बच्चे बहुत जल्दी से खा लेते हैं, तो ऐसे बनाइए अपने घर में। और अगर अच्छा लगे मेरा वीडियो तो आप जो है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कल हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।